अब बात कर लेते हैं रामनवमी की। आज की तिथि में दिन में 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होता है। इस वर्ष रामनवमी पर बहुत विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म जो है वह पुष्य नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। इस बार भी जब रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है तब भी पुष्य नक्षत्र होगा जो श्री राम के जन्म के समय पर था। इस बार रामनवमी पर यह विशेष बन रहा है जिसका लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज सुबह 10:03 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा जो पूरे दिन रहने वाला है। इसी पावन संयोग व नक्षत्र में हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस वर्ष राम जन्म उत्सव और पूजन का विशेष महत्व रहने वाला है हमारे आपके जीवन में। तो निश्चित तौर पर जैसे आप हर बार करते आए हैं भगवान श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे आप करते आए हैं, आपको आज भी करना चाहिए और हर बार से कहीं ज्यादा हर्षोल्लास के साथ आपको आज इस पर्व को मनाना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि रामनवमी के पर्व पे आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो, धन की बारिश लगातार होती रहे। यदि धन की लालसा किसी व्यक्ति को है या यूं कहें कि धन की लालसा आज के इस आर्थिक युग में हम सभी को होती है, तो श्री राम नवमी की तिथि में अगर कुछ सामान्य से विधि विधान अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपको अपने संपूर्ण मन को, अपने चित्त को नियंत्रित करने में भी लाभ मिलेगा और अगर आप पूरे मन से इस कार्य को करते हैं, पूजन कार्य को करते हैं, भगवान श्री राम के प्रति ये कुछ उपाय करते हैं तो आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय आज की तिथि में किए जा सकते हैं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन और अर्चन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ये आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को ये करना चाहिए, जो भी सनातनी है, हिंदू धर्म का पालन करने वाला है उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नए घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजन अर्चना करके प्रवेश किया जा सकता है। गृह प्रवेश की आज की तिथि बहुत अच्छी होती है। किसी गरीब व्यक्ति, असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार आज आपको दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों की, असहायों की आपको आज सेवा और मदद करनी चाहिए। श्री राम का जन्मोत्सव इसी तरह मनाएं जैसे घर में आपके किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, कोई नन्हा शिशु आपके घर में जन्मा हो, उस हर्षोल्लास के साथ आपको आज इस पर्व को मनाना चाहिए। नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। कन्याओं को उपहार स्वरूप चीजें आपको भेंट करनी चाहिए। किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की दृष्टि से आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम जो आप काफी समय से सोच रहे थे वह आज से आरंभ कर सकते हैं। श्री राम नवमी के दिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लेना, राम मंत्र का पाठ कर लेना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड आदि के पाठ से न सिर्फ आपको अक्षय पुण्य मिलता है बल्कि धन संपदा के निरंतर बढ़ने के योग जागृत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राजयोग सुषुप्त भी है, जागृत नहीं है, तो उसको भी नई ऊर्जा, नया संचार मिलता है। किसी भी नए कार्य के आरंभ करने के लिए या नए व्यापार के आरंभ करने के लिए भी आज की तिथि बेहद शुभ और बेहद विशेष मानी जाती है। तो चलिए, आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, महा उपाय बताया, पूजा की विधि बताई और राशिफल बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है। We'll be right back.